इस वीडियो में हम टू वेरिएबल के मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक है अगर टू वेरिएबल होगा तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। टू टू दोबार एन, इसका मतलब एन का नंबर ऑफ वेरिएबल, टू दोबार टू, फोर, फोर कॉम्बिनेशन है। और इसका एक है इक्विवेलेंट डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ठीक है, जीरो का, ए वन का, ए टू का, ए थ्री का। यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या है, ए बार बी बार। ओके, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू वन, इसका मतलब एक है ए बार बी। एम टू में देखो, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू जीरो, इसका मतलब ए बी बार, ए बी बार। यहाँ पर देखो, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, इसका मतलब ए बी। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट क्या है। सपोज एक हमारा एग्जांपल गिवन है, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। एक है मिन टर्म, ठीक है, अगर मिन टर्म तो ए बार बी बार, ए क्या है, ए बार बी बार, एम ज़ीरो, एम ज़ीरो। मिन टर्म क्या है, ए बी बार, कहाँ पर है, ए बी बार, यह मतलब एम टू, एम टू। एक है ए बी, ए बी कहाँ है, एम थ्री, मिन टर्म, ठीक है, मिन टर्म थ्री हो गया। इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एम ज़ीरो टू थ्री। इसका मतलब मिन टर्म कब होता है, जो इसका आउटपुट वन होता, वन होता है, इस तब मिन टर्म होता है वो टर्म। इसका मतलब एम ज़ीरो का आउटपुट ऑन होगा, एम टू का आउटपुट ऑन होगा, एम थ्री का आउटपुट ऑन होगा। एम ज़ीरो का आउटपुट ऑन, एम टू का आउटपुट ऑन, एम थ्री का आउटपुट ऑन, जो बचा है वो ज़ीरो हो जाएगा। हो गया, ये हमारा टू वेरिएबल का एग्जाम्पल का मिन टर्म का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम कैसे, इस टेबल को देखो, इस टेबल को हम कैसे के मैप में कन्वर्ट करूँगा। देखो, सपोज एक के मैप का फॉर्मूला याद रखना, के मैप में कितना ए स्क्वायर होगा। देखो, जो भी वेरिएबल है, एक कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल, उसका टू टू दोबार एन, एक फार्मूला है टू टू दोबार एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल टू होगा तो फोर हमारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल टू है, स्क्वायर क्या होगा, फोर, ठीक है, फोर स्क्वायर हो गया। एक है ए, एक है बी, ए ज़ीरो, ए वन, ए ज़ीरो, ए वन। अब इसको अच्छे से समझो, ठीक है। देखो, जब ज़ीरो ज़ीरो, ए का वैल्यू ज़ीरो, बी का वैल्यू ज़ीरो, आउटपुट क्या है, वन। ए का वैल्यू ज़ीरो, बी का वैल्यू ज़ीरो, आउटपुट है वन, यहाँ पर वन लिख लिया। जब ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू, सॉरी, ए का वैल्यू ज़ीरो, बी का वैल्यू वन, तब आउटपुट क्या है, ए का वैल्यू ज़ीरो, बी का वैल्यू वन, आउटपुट क्या है, ज़ीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब देखो, जब ए का वैल्यू क्या है, वन, बी का वैल्यू ज़ीरो, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू ज़ीरो, आउटपुट क्या है, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू ज़ीरो, आउटपुट है वन, यहाँ पर वन आ गया। अब देखो, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, काफ़ है, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, आउटपुट क्या है, वन, वन। ए हमारा हो गया के मैप ऑफ, एक है मिन टर्म, मिन टर्म क्या था, ज़ीरो टू थ्री। कितना आसानी से हम इसको इस के मैप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इतना आसान है भाई। देखो, हमारा सब ज़ीरो ज़ीरो हमको पुट करना है। देखो, इसका ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू का वन था, ज़ीरो वन का वैल्यू आउटपुट ज़ीरो था, वन ज़ीरो पर आउटपुट वन था, और वन वन पे आउटपुट क्या है, वन, वन हो गया, हमारा के मैप में पुट है गया। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, मैप द एक्सप्रेशन ए बार बी और ए बी बार। देखो, ए बार बी कब है, ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी, इसका वैल्यू क्या है, एम वन, ए मिन टर्म, एम वन, ठीक है। और ए बी बार, ए बी बार, देखो ए बी बार, मिन टर्म क्या है, एम टू, एम टू। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ एम वन और टू। ओके, और इसके अलावा ज़ीरो और थ्री पे क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। मिन टर्म का आउटपुट क्या होता है, वन, इसका मतलब वन और टू पे आउटपुट क्या होगा, वन होगा। इसको हम के मैप, और इसका वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल टू है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर, के मैप पे नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, टू टू दोबार टू, इसका मतलब फोर। अब देखो, के मैप फोर स्क्वायर होगा, एक है ए, एक है बी। अब देखो, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, देखो, और इसका इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए बार, इसका मतलब ज़ीरो, बी का वैल्यू क्या है, वन, बी का वन, बी ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में। इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। जब जी ए का वैल्यू
जीरो बी का वैल्यू वन होगा आउटपुट ऑन होगा, और जब ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू जीरो होगा आउटपुट ऑन होगा। यहाँ पर देखो ए का वैल्यू जीरो बी का वैल्यू जीरो आउटपुट क्या होगा जीरो, ए का वैल्यू जीरो बी का वैल्यू वन, देखो ए का वैल्यू जीरो बी का वैल्यू वन तब आउटपुट क्या होगा वन वन। यहाँ पर देखो ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू जीरो आउटपुट क्या होगा ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू जीरो, ठीक है इसका मतलब आउटपुट ऑन होगा, ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू वन आउटपुट क्या है जीरो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन था, उसको केमैट में कन्वर्ट कर लिया इतने आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिख ले भाई। थैंक यू।